यादों के पन्नों से भरी हुई है जिंदगी, यादों के पन्नों से भरी हुई है जिंदगी, सुख और दुख की कहानी है जिंदगी। अंतर मन में उतर कर देखा तो पता चला, अंतर मन में उतर कर देखा तो पता चला, बिना रब के अधूरी है मेरी जिंदगी। बिना रब के तो सचमुच जिंदगी अधूरी है, लेकिन इसके बगैर भी अधूरी है जिंदगी, जिसको कहते हैं अल्जाइमर्स। जहां पे अचानक अभी कुछ बोला भूल गए, शुरुआत कैसे होती है अल्जाइमर्स की, ध्यान देना, अचानक टोन आपकी ऊंची हो जाएगी, छोटी छोटी बात, और उसके बाद इरिटेशन शुरू हो जाएगा, फ्रस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा, चिड़चिड़पन आना शुरू हो जाता है, गुस्सा हर छोटी बात पे एकदम सा रेज हो जाते हो, और उसके बाद आपको अभी कुछ बोला गया कि आज आपको ये काम कंप्लीट कर लेना है, शाम में जब आप आपके पूछ के उससे पूछेंगे, उस व्यक्ति से, आपने कर दिया, अरे मैं भूल गया, दूसरे दिन आप फिर उसको रिपीट करोगे, दूसरे दिन फिर यही शब्द सुनने मिलेगा, अरे मैं भूल गया, तीसरे दिन फिर वही हाल होगा। दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ योर अल्जाइमर। अगर इसको आप ध्यान नहीं देंगे तो ये आगे जाके डिमेंशिया में कन्वर्ट हो जाता है। इसका सबसे मुख्य कारण साइड इफेक्ट्स ऑफ एलोपैथी ड्रग्स। अगर कोई बोल दे ना एलोपैथी, कोई भी एलोपैथी का लाल अगर ये बोल दे कि इस गोली को साइड इफेक्ट नहीं है, तो समझ आना इसकी इफेक्ट नहीं है। कोई भी गोली अगर बोल दे कि मेरे अंदर कोई साइड इफेक्ट नहीं, तो समझ जाना है कि इस गोली की कोई इफेक्ट आपके बॉडी में नहीं होगी। अल्कोहल, निकोटाइन, कैफीन, ये सब चीजें आपके ब्रेन के अंदर के जो न्यूरो सेल्स होते हैं, दिमाग किससे बना हुआ है, आपके न्यूरॉन्स से बना हुआ है, न्यूरॉन्स हैं टिश्यू से, जब इसमें डीजनरेटिव होने लग जाता है, इसके अंदर एक केमिकल क्रिएट होता है, अगर ये डीजनरेट एक एज के बाद हर किसी के अंदर, खास करके देखा जाता है 65 की एज के बाद, देखना याद नहीं रहता है व्यक्ति को, चाबी कहीं पे रखेंगे भूल गए, फोन कहीं पे रखा भूल गया, और फिर ढूंढते रहते हैं पूरे घर में, मेरा फोन नहीं मिल रहा, मेरी चाबी नहीं मिल रही, मेरे चश्मे नहीं मिल रहे, चश्मे यहीं रहेंगे, और पूरे घर में ढूंढेंगे चश्मे कहाँ गए, चश्मे कहाँ गए, पूरे परिवार को डिस्टर्ब करके रख देते हैं, पेपर्स कहीं पे रखते, मालूम है यहीं पे रखे हैं, आधे घंटे के बाद पूछेंगे मुझे याद नहीं। कई बार हो जाता है सामने ही है व्यक्ति, उसको देख रहे हैं हम, इसको कहीं देखा है, कहाँ देखा है, अभी नाम पूछा, दो मिनट के बाद नाम भूल जाएंगे, स्नान कर आएंगे, आने के बाद बेड पे यूं ही बैठ जाते हैं, बोलना पड़ता है जाओ चेंज करो, कपड़े पहनो, नाश्ता कर लो, हर चीज आपको बोलनी पड़ती है उसको। दिस इज लीडिंग टू आगे जाके डिमेंशिया, लॉस ऑफ मेमोरी, और थोड़े दिन के बाद उस व्यक्ति को कुछ नहीं मालूम रहता है, उसको जिस इंसान से लगाव हो जाता है सिर्फ वो एक ही इंसान याद रहता है, शब्द मालूम नहीं है क्या बोल रहे हैं, कुछ भी बोलते रहेंगे, लेकिन बस वो एक ही व्यक्ति उसको समझ में आती है, बाकी कोई व्यक्ति जो उससे बहुत प्रेम से बात करेगा सिर्फ वो एक व्यक्ति समझ में आएगा, बाकी पूरा परिवार उसको अच्छा नहीं है, ये लोग अच्छे नहीं है, ये लोग अच्छे नहीं है, इस तरह से बोलेंगे। सो प्लीज बी केयरफुल, और साथ साथ में अगर आपकी मेमोरी लॉस हो रही है आपको याद नहीं रहना, कई बार ऐसे लोग देख लेना जब सामने वाला व्यक्ति कोई जरूरी बात बोल रहा है वो अपने माइंड को किसी दूसरी चीज में लगा देते हैं जो बहुत जरूरी नहीं है, इमीडिएट इसकी ट्रीटमेंट चालू करा देना, अगर नहीं कराएंगे तो दिस विल लीड टू डिमेंशिया, और अगर कुछ याद नहीं रह रहा है तो समझ जाना है ये स्टार्ट हो चुकी है, शुरुआत ही हो चुकी है। इमीडिएट क्या करना है आपको, हाथ खोलेंगे, इंडेक्स फिंगर, मेटाकार्पल बोन पेन हो रही है, फिर देखो एक पिट मिलेगा, दबाकर देखना, जिम्मी है सबके पास, प्रेस कर देखना उस जिम्मी को, अगर दुख रहा है तो दिस इज बिगिनिंग स्टेज ऑफ योर अल्जाइमर। कि खाना रखा है गैस के ऊपर लेकिन गैस बंद करना भूल गए हैं, कोई भी चीज हमने गैस पे रखी है और हम बाहर आ गए हैं, तो समझ जाना है दिस इज फर्स्ट स्टेज, फर्स्ट साइन ऑफ योर अल्जाइमर। द बेस्ट ऑयल
कि हमको कभी अल्जाइमर का डिजीज ही ना क्रिएट हो. टेबलस्पून ऑफ ऑलमंड ऑयल, टेबलस्पून ऑफ ऑलमंड ऑयल ले लेंगे. ऑलमंड ऑयल के अंदर क्या करना है, 30 ड्रॉप्स ऑफ रोजमेरी ऑयल. रोजमेरी ऑयल क्या करता है, इट विल इंक्रीज द फोकस ऑफ योर माइंड. डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा, मेमोरी आपकी शार्पन कर देता है एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ जाता है. सो रोजमेरी ऑयल इज वेरी गुड फॉर स्पेशली फॉर चिल्ड्रन, जो लोग स्कूल जाते हैं पढ़ाई में बहुत कमजोर है. दूसरा लैवेंडर, 20 ड्रॉप्स ऑफ लैवेंडर ऑयल. जिन जिनको भी अल्जाइमर की डिजीज है, अचानक देखना एकदम फियर आ जाएगा उनके शरीर में, छोटी छोटी बात में डरने लग जाते हैं. नहीं नहीं कुछ भी ऐसे भी हो सकता है, नको नको ऐसे मत करो वैसे हो जाएगा. तो फॉर एवरी स्मॉल थिंग दे आर हैविंग फियर, कुछ भी हो सकता है. एंग्जाइटी एकदम से बढ़ जाएगी उनके अंदर, फ्रेंजी हो जाएगा वह इंसान. वॉट इज फ्रेंजीनेस, इमोशनली वेरी मच डिस्टर्ब, इमोशनली वेरी मच डिस्टर्ब. हर छोटी बात में फियर है, एंगर है, एंग्जाइटी है, फ्रेंजी हो रहा है. समझ जाना है इस पर्सन को अल्जाइमर डिजीज है. ही कांट फेस एनीवन, उसको कोई भी सिचुएशन को फेस करना है तो बहुत बहुत ज्यादा सोचेगा उस बारे में. यही चीज उसको आगे जाके डिमेंशिया में कन्वर्ट कर देता है. ईच एंड एवरी टिप ऑफ योर फिंगर, यहाँ पे है हमारे ब्रेन के पॉइंट्स, जिससे हमारे न्यूरो सेल्स जो डीजनरेट हो गए हैं वो डीजनरेशन खत्म. एंड माइंड एंड स्पाइन, माइंड एंड बॉडी के बीच का जो ये पार्ट है हमारा, माइंड और बॉडी को कौन जोड़ रहा है, स्पाइन. तो इसको क्या करना है, हमको तेल लगाकर इसकी खूब मसाज देनी है. खाली खुशबू भी अगर आप ले लेते हो, डिफ्यूजर में डाल देना अल्जाइमर केस को, आप उनके पास डिफ्यूजर रख देना. डिफ्यूजर में 2 टेबलस्पून ऑलमंड ऑयल या तो फिर कोकोनट ऑयल डाल देना. आपको क्या डालना है, रोजमेरी ऑयल, लैवेंडर ऑयल एंड फ्रैंकेंसेंस ऑयल, ये उसके अंदर डाल देना. पूरी रात चलने देना, वो जो स्मेल उसके रूम में रहेगी उससे उसके मेमोरी सेल्स फिर से न्यूरो सेल्स एक्टिव होना शुरू हो जाएंगे. डीजनरेटिव का मतलब क्या है, आपके न्यूरॉन्स में जो केमिकल क्रिएट हो रहा था, आपके टिश्यूज के अंदर जो केमिकल क्रिएट हो रहे थे, ये पूरे केमिकल क्रिएट होना स्लो डाउन हो जाता है और आपके न्यूरॉन्स क्या हो रहे हैं, इतने हैं ऐसे श्रिंक हो जाते हैं. दे आर गेटिंग श्रिंक, टिश्यूज आपके श्रिंक हो रहे हैं. तो दिस इज यू आर हैविंग अल्जाइमर डिजीज. तो इसको हमको क्या करना है, एक्टिवेट करना है. इसकी जब हम खुशबू लेते अपने आप एक्टिवेशन शुरू हो गई, फिर से वो केमिकल क्रिएट होना शुरू हो गया. एंड वेरी सिंपल, बॉल पेन लेंगे, टिप ऑफ योर थंब प्रेस करके देखो. अगर जिम्मी अंदर प्रेस होकर चले जा रही है तो यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम. उसके बाद बॉल पेन से क्या करेंगे, रोलिंग करेंगे पीछे स्पाइन पे, बेस्ड ऑन सुजोक थेरेपी. दिस इज अवर सर्वाइकल, दिस इज अवर सर्वाइकल बेस्ड ऑन सुजोक थेरेपी. ये हमारा पीछे बैक साइड से. एंड सबसे बड़ा पॉइंट ले लेंगे, कान के ऊपर अंगूठे रख देंगे, सेंटर फिंगर मिला दो, स्लोली कम डाउन. GV 20 गवर्निंग वेजल कंसेप्शन का पॉइंट है 20, जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड. जब हाइपोथैलेमस कमजोर हो गया तो आपके न्यूरोसेल्स बनना कम हो जाते हैं. न्यूरोसेल्स अगर कम हो गए, टिश्यूज आपके वीक हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं. डीजनरेट होते ही क्या हो रहा है, लॉस ऑफ मेमोरी, अल्जाइमर. तो सिंपल, इसको क्या करना है, प्रेस फॉर 30 सेकेंड्स, गहरी सांस लेते हो क्योंकि दिमाग को ऑक्सीजन की बहुत जरूरत है. पहले के जमाने में दादी नानी मम्मी सब क्या करती थी, बच्चों को सर में यहाँ पे तेल डाल के टैप टैप करती थी. क्यों कर रहे हैं हमको नहीं मालूम, क्यों मार रहे पूछते, क्योंकि यहाँ पे हाइपोथैलेमस ग्लैंड है. इंडेक्स फिंगर से सीधा आएंगे, इंडेक्स फिंगर से सीधा आएंगे. देखो बोन मिल गया आपको, बेंड करो आपका थर्ड बोन. देखो तीन हड्डी है हमारी, पहली हड्डी, दूसरी हड्डी, तीसरी हड्डी. तीसरी हड्डी खत्म होती है, एक पिक मिलेगा. पिट में गोल घुमाओ, इंडेक्स फिंगर से दबा के क्लॉकवाइज घुमा कर देखो. नहीं, माइनर अल्जाइमर तो हर किसी को होता है, नो डाउट माइनर होगा, कोई बड़ी बात नहीं. बिकॉज आप 100 काम में बिजी हो तो माइनर अगर हो रहा है इट इज नॉट अ बिग थिंग. दिस पार्ट इसकी भी मसाज देना है. अवर बिग टो एंड अवर थंब, ये दोनों के पीछे सेम सर्वाइकल पॉइंट है.
जो हमारे माइंड को और बॉडी को जोड़ता है, दैट इज अवर स्पाइन, जिसको हम लिंग बोलते हैं, जो ब्रेन एंड बॉडी को जोड़ता है वो है लिंग। तो लिंग हमको क्या करना है, उसको स्ट्रांग बना देना, जिससे पूरे न्यूरो सेल्स वापस क्रिएट हो जाते हैं। और ईच एंड एवरी टिप ऑफ योर फिंगर इसकी मसाज देनी है। 3000 नसें यहाँ आके हमारी मिलती है, तो 30,000 नसों को हमको एक्टिवेट कर देना है जस्ट बाय गिविंग मसाज। थंब के ऊपर सिल्वर रिंग लेनी है एंड यहाँ पे घुमाना है। जिन जिन को भी ये प्रॉब्लम आ रही है, अल्जाइमर डिजीज,